हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। राइट हाथ इसका बेहतर है, ऐसे ही है ना? लेफ्ट उठाओ, लेफ्ट में प्रॉब्लम है। अच्छा चुटकी बजाओ, बजाओ उस हाथ से बजाओ, वेरी गुड। वैसे चुटकी भी ठीक हो गई है। ऑलराइट टांग को सीधा करो, करो जोर लगाओ। अच्छा एक मिनट, ब्रिस्क रिफ्लेक्स है। टांगे ऊपर खींचो अपनी तरफ, खींचो। अच्छा आपसे पूछ रहा हूं मैं, इसकी अकलाहट पहले से तो बेहतर है ना? बहुत अच्छी है। और अब ये खड़ा हो जाता है किसी का सहारा लेके? जी, और दूसरा खुद से व्हील चेयर के ऊपर जब बैठे होते हैं तो खुद से खड़े होते हैं, उसके बाद फिर चारपाई को उठा कर खुद जाना। ऑलराइट। अच्छा ये जो केस है, दिस इज सेरेब्रल पॉल्सी, स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी, और जाहिर है इसका ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा है। सिर्फ तीन टिप्स मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा। पहला टिप ये है कि इन बच्चों को मसरूफ रखें। अगर मसरूफ रखेंगे तो उससे इनकी, जैसे आपको मैं समझा रहा था, मसरूफ का मतलब ये है कि कोई एक्टिविटीज को होनी चाहिए, या एक दफा दो दिन में या दो दिन में एक दफा बाहर लेके जाए 5-10 मिनट के लिए, या टेलीफोन पे किसी से बात करवाएं, तो एक। दूसरा, इसके जो ये जगह होती है दोनों थाईस के दरमियान, ये चूंकि इसकी टांगे यूं हो जाती हैं तो उसमें भी तकिया घुसा के रखा करें ताकि ये जुड़े। और तीसरी बात यह है कि भले इसको बुखार हो, खुदा ना खास्ता ये कोई और प्रॉब्लम हो, ये अकड़ाव वाली जो मैं टैबलेट्स दे रहा हूँ ये बंद नहीं कर ले, ये देते रहे, बैकलेन देते रहे। तो ये तीन काम करें। और एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हैं? चलो, और नेक्स्ट टाइम अगर जब ये खुद चल के आएगा तो फिर इसको एक गिफ्ट दूंगा मैं। ऑलराइट, हाथ मिलाओ। ओके, ठीक है।